महीने भर से कमर भर जल जमाव से परेशान मोतीपुर वार्ड 7-10-12 के ग्रामीण भाकपा माले के पहल पर बांस बल्ला खुरपी कुदाल लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में माले कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हालांकि माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा इसकी जानकारी देने के बाद वीडियो द्वारा 3 मजदूर भी भेजे गए। लोगों ने बंद पुलिया नाला आदि को बांस से बांस जोड़कर खोचारा किया। विश्वकर्मा चौक से खैनी गोदाम होते हुए गांधी चौक से पूर्व एनएच पुल तक नाले की सफाई की। इस दौरान कई जगह मिट्टी भराई काट कर नाला चीर कर जल निकासी कराने के लिए आंशिक रूप से सफलता मिली, जबकि वार्ड 12 स्थित बांसबाड़ी टोला से जल निकासी का कोई उपाय नहीं हो सका। इसे प्रशासनिक पहल पर कच्चे नाले चीर कर ही जल निकासी कराना संभव हो सकेगा। मौके पर कुशेश्वर शर्मा, अर्जुन शर्मा, किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह, संजीव कुमार, सुनील शर्मा, अनिल शर्मा, शंभू शर्मा, जवाहर सिंह समेत दर्जनों ग्रामीणों एवं माले कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह, किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि माले सिर्फ आंदोलन करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि जन सरोकार के मामले पर समाज के साथ खुद भी सड़क पर उतर समस्या को निपटारा करने की ताकत रखती है। समस्तीपुर से स्वदेशवाणी के लिए अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। एनएच 28 मोतीपुर वार्ड 7 और 10 जो पानी से डूबा हुआ था, वीडियो साहब के पहल पर आज उनके द्वारा 4 गो लेबर भेज करके जल निकासी के लिए नाला का जो व्यवस्था किया गया उसमें हम स्थानीय ग्रामीण भी उसमें सहयोग कर और पानी निकासी में हम लोग मदद किए। इससे हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ आंदोलन ही नहीं करते, सामाजिक सरोकार का जो काम होता है उसमें हम अपना तन मन धन से भागीदारी भी देते हैं और समाज के भलाई के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, प्रखंड कमेटी सदस्य, भाकपा माले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।